उट ग्रीटिंग कार्ड्स यानी के हॉल मार्क आपको पता होगा और भी बहुत सारे अब तो ब्लू माउंटेन भी है और हमारे यहाँ इंडिजिनस भी हैं बहुत सारे ऐसे ग्रीटिंग कार्ड्स हमें रोज़ जो है हमें मिलते हैं पहले आ, होता ये था कि हम हम तरद करते थे बुक शॉप जाते थे वहाँ पर कार्ड ढूंढते थे उस पर हाथ से लिखते थे मेल करते थे अब थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया है ग्रीटिंग कार्ड जो हैं अब ऑनलाइन भेज सकते हैं आप ई मेल के जरिए भेज सकते हैं ग्रीटिंग कार्ड्स आप एस एम एस के ज़रिए व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं मगर ग्रीटिंग कार्ड जो हैं वो अभी भी पॉपुलर हैं वो उनकी पॉपुलरिटी में कोई कमी नहीं है और ग्रीटिंग कार्ड्स कोई ना कोई लिखता है तो वो जॉब जो है वो आप कर सकते हैं अब हॉलमार्क वाले मैंने जैसे कि आपके पास वन ऑफ़ द बिगेस्ट कंपनीज़ दैट मेक्स ग्रीटिंग कार्ड्स उन्होंने तो हॉलीडेज़ बना दिए हैं कितने नए नए किस्म के सिर्फ ग्रीटिंग कार्ड्स इस्तेमाल करने के लिए वैलेंटाइंस को इतना पॉपुलर कर लिया मदर्स डे फादर्स डे पता नहीं कितने कितने डेज़ हैं जिसके लिए अब लोग जो हैं वो ग्रीटिंग कार्ड जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं तो आप भी जो है इसको एक करियर बना सकते हैं राइटिंग फॉर ग्रीटिंग कार्ड्स सोचने में तो अजीब सा लगता है कि यार ये क्या मगर आ, सच्ची बात यह है कि बहुत डिमांड है क्योंकि पीपल वॉन्ट टू सेंड न्यू मैसेजेज़ ऑल द टाइम दे डोंट वॉन्ट टू सेंड द सेम थिंग्स तो जहाँ पर ग्रीटिंग कार्ड डिज़ाइनर की भी ज़रूरत होती है वहाँ पर ग्रीटिंग कार्ड का जो कॉपी है जो राइटिंग पार्ट है उसकी भी बहुत ज़रूरत होती है आप अगर ऑनलाइन जाएंगे जो ऑनलाइन जॉब अवेलेबिलिटी पोर्टल्स हैं फाइवर है गुरु डॉट कॉम है अपवर्क है, है वहाँ जाएंगे तो आपको फ्रीलांसर है पता चलेगा कि ग्रीटिंग कार्ड्स लिखने की भी काफ़ी डिमांड है आप डायरेक्टली हॉल मार्क को भी भेज सकते हैं वो भी आपको पैसे देते हैं ब्लू माउंटेन वाले भी देते हैं और भी ऐसे पोर्टल्स हैं जो कि आप अगर उनको अपना राइटिंग uh, भेजें ग्रीटिंग कार्ड के लिए वो आपको उसके फॉर दैट राइटिंग दैट यू हैव गिवन अगर उनको वो पसंद आ जाती है तो वो आपको उसके लिए पैसे देते हैं तो थोड़ी सी हम आपके साथ और एग्ज़ाम्पल्स शेयर करते हैं ग्रीटिंग कार्ड्स के uh, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं आपको अजीब सा लगेगा कि मैं पढ़ रही हूँ मगर जब मैं लिख कर भी आपको बाद में दिखाऊंगी तो शायद वो आपको बेहतर uh, समझ आए हैप्पी हॉलीडेज फ्रॉम आर हाउस टू योर्स तो आप अगर हॉलीडे सीजन है आप ये मैसेज देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं हैप्पी हॉलीडेज फ्रॉम आर हाउस टू योर्स टू there is a इज़ अ सीज़न आई बी you यू this दिस तो एक ओकेजन है उसके लिए आपने किसी को लिखा है अक्सर ऐसा होता है कि ग्रीटिंग कार्ड्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि लोगों को ख़ुद समझ नहीं आता कि वो क्या लिखें तो जब उनके पास कोई और वो उनका एक सेंटिमेंट जो उनकी फ़ीलिंग है वो लिख के एक्सप्रेस कर देता है तो उनको वो ज़्यादा आसान रहता है बस वो ऊपर नाम लिखते हैं थोड़ा सा अपना नीचे मैसेज करके अपना नाम लिख देते हैं और जो वो बात कन्वे करना चाहते हैं वो किसी और के अल्फाज के ज़रिए वो बात कन्वे कर देते हैं

बड़े सिंपल सिंपल से मैसेजेस हैं अगर देखा जाए तो हमें लगता है यार ये तो कोई भी लिख सकता है और वाकई ग्रीटिंग कार्ड्स कोई भी लिख सकता है मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको उस वक्त समझ नहीं आ रहा होता क्या लिखे मतलब वैन यू पुट अंडर प्रेशर तो उस वक्त समझ नहीं आ रहा होता एक सिचुएशन होती है जल्दी से भेजना होता है तो आपके पास जब ग्रीटिंग कार्ड होता आप है आप कहते हैं हाँ यार ये लो उस पर नाम लिखो और भेज दो तो आप उनके लिए वो काम करें आप उनके लिए लिखिए जो मुख्तफ ओकेजन हैं उनके लिए लिखिए और पैसे कमाइए थोड़े से एग्जाम्पल्स हम और पढ़ते हैं फॉर द बेस्ट रीज़न ऑफ ऑल नन बग़ैर वजह के कार्ड भेजें बस तुम्हें तुम्हारी याद आई कोई वजह नहीं थी बस भेज दिया होप दीज मेक योर ऑर्डनरी डे एक्स्ट्रोर्डनरी आई होप योर माई फ्रेंड फॉर एवर बिकॉज दैट्स हाउ लॉन्ग आई एम गोइंग टू नीड यू मे योर डे बी एज वंडरफुल एज यू आर Sending you bunches of hugs and kisses. The pure joy of the unexpected can be a source of wonder to me. To make your day just that little bit brighter. Flowers don't always need words. अब यहाँ पर हमें समझ आ रहा है कि मतलब लव्स लिखना नहीं चाह रहे, but किस खूबसूरती से उसने ये कह दिया कि मुझे लव्स नहीं चाहिए, सिर्फ इन फूलों से मेरा मैसेज ले लो मगर वो भी हमने लिख दिया तो एक मैसेज भी चला गया बग़ैर कोई लव्स इस्तेमाल किए बग़ैर कुछ कहे हुए सेंडिंग यू स्माइल्स वन ऑफ़ द थिंग्स दैट टेक्निकली दैट यू हैव सीन इन ऑल ऑफ़ दिस इज़ कि ये छोटे होते हैं बहुत छोटे से होते हैं सिंपल सी लैंग्वेज होती है एक इमोशन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं एक ओकेजन को एक ओकेजन के ऊपर किसी से जो बात करनी चाहिए जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो जो है वो uh, ग्रीटिंग कार्ड्स करते हैं कि वो आपके एह, एहसास को दूसरे दूसरे के पास पहुंचाते हैं आपके जो जज्बात हैं उनके बारे में बात करते हैं एक जो मौका होता है उसमें दुआ देते हैं आ, आपका जो किसी आ, जो एक किसी की खुशियां बांटना चाहते हैं उसके बारे में बात करते हैं हमने देखा कि जी बर्थडे जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रीटिंग कार्ड्स इस्तेमाल होते हैं वेडिंग्स के लिए होते हैं और जो मुख्तलिफ़ रिश्तेदार हैं उनके लिए ग्रीटिंग कार्ड्स जो हैं वो अलग होते हैं कभी ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी होते हैं मदर्स के लिए होते हैं फादर्स के लिए होते हैं जैसे कि मैंने बात की कि आप समी यू लव को भी आप भेज सकते हैं आप पेरेंट्स को भी भेज सकते हैं बच्चों को भेज सकते हैं तो ये तो बर्थडे तो बहुत एक बड़ा सा वास्सी फील्ड है ग्रीटिंग कार्ड की तो आई विल गिव यू एन एग्ज़ाम्पल हम कहना चाहते हैं हैप्पी बर्थडे और इसके ऊपर अगर ग्रीटिंग कार्ड का मैसेज लिखें तो वो क्या होना चाहिए वो बेसिकली ये हो सकता है कि जी मे यू हैव अ ग्रेट डे एंड मैनी मो यर्स टू कम हैप्पी बर्थडे तो छोटा सा सिंपल सा आपने दुआओं भरा एक मैसेज जो है वो इस ग्रीटिंग कार्ड के जरिए दे दिया uh, एक और अगर आप अपनी uh, वालदा को भेजना चाहते हैं बर्थडे uh, एक अगर कार्ड uh, कोई तो उसमें क्या ग्रीटिंग मैसेज हो सकता है ग्रीटिंग कार्ड मैसेज हो सकता है बर्थडे के लिए एक वालदा की बर्थडे के लिए मॉम यू आ रीजन आई हैव लाइफ यू आ My strength and my anchor. May this day be full of all the wonderful. In life, happy birthday. तो इस ग्रीटिंग के ज़रिए आपने बताया कि जी आ, माँ आपकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ आप मेरी स्ट्रेंथ हैं आप मेरा एंकर हैं आपने उनको अपनी माँ को बताया बताना चाह रहे हैं इस ग्रीटिंग कार्ड के ज़रिए जो आपके इमोशंस हैं जो आप उनके बारे में सोचते हैं वो और फिर उसके बाद आपने उनको बर्थडे विश किया सो दीज आर टू एग्ज़ाम्पल्स ऑफ हाउ वी कैन विश समबडी अ हैप्पी बर्थडे अब अगर हम अगला वाला एक जॉनर देखें और हम बात करें वेडिंग्स uh, की दैट इज़ एन अदर एरिया जहां पर बहुत ज्यादा ग्रीटिंग कार्ड्स इस्तेमाल होते हैं उसके भी हम आपको थोड़े से एग्जाम्पल लिख कर बताते हैं वेडिंग ए ब्यूटिफुल यूनियन ऑफ टू सोल्स मे यू लिव हैप्पिली एवर आफ्टर तो छोटी सी बात क्या आप दो ख़ूबसूरत लोगों का एक ख़ूबसूरत यूनियन है और दुआ के साथ कि आप बहुत अच्छी और लंबी ज़िंदगी इकट्ठे गुजारें तो ये एक वेडिंग ग्रीटिंग कार्ड का मैसेज हो सकता है एक और अगर हम देखें मे यू होल्ड एच अदर थ्रू लाइफ्स चैलेंजेस मे यू चेरिश लाइफ्स

हम किस तरह करते हैं uh, अपने uh, जज्बात को किस तरह एक्सप्रेस करते हैं छोटे छोटे सेंटेंसेस नथिंग वेरी बिग इट्स इजी राइटिंग जो आप क्रिएटिव राइटिंग इस तरह है कि द एक्सप्रेशन हैज़ टू बी क्रिएटिव इट हैज़ टू बी न्यू बिकॉज स्पेशली विद ग्रीटिंग कार्ड इतने लिखे जा चुके हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी ने ये बात पहले की भी होती है इसी तरह की होती है फिर दोहराऊँगी इज वेरी गुड करियर To write for greeting cards online is keep hot demand, hai, especially in the English language. Uh, as I've said, Hallmark is always looking. Um, Blue Mountain and many, many other uh, greeting card companies are always looking for creative people to write for them because hot demand and a wide audience is wanting greeting cards all the time. सो इफ़ इट इज़ समथिंग दैट इंटरेस्ट यू अगर ये ऐसी चीज़ है जिसमें आप इंटरेस्ट लेते हैं ये ऐसी चीज़ है जो आपको आसान लगती है और आप कर सकते हैं तो ज़रूर लिखिए और पैसे कमाइए मज़े कीजिए शुक्रिया